राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एन इंटीजर, ए रियल नंबर, ए होल नंबर। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। एवरी रैशनल नंबर इज क्या होगा आंसर बोलिए, रियल नंबर। कोई भी नंबर लेंगे ना बच्चों, दैट इज एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, देखिए, ठीक है। तो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर इज, इसमें का ऑप्शन बताना है बच्चों आप लोगों को। सो बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर इज नो रैशनल नंबर, देयर इज एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स, देयर आर ओनली रैशनल नंबर्स एंड नो इरैशनल नंबर्स। तो देखिए बच्चों इसका आंसर जो है वो सी आंसर रहेगा, क्योंकि बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स। अगर समझो देखिए बच्चों हम लोग 3/5 एक रैशनल नंबर लेते हैं और 4/5। सो इफ आई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10, तो इसमें देखिए बच्चों आई कैन राइट 31/50, 32/50, 33/50, ऐसे कितने भी लिख सकता हूं, 39/50 लिखेंगे। अगर मैं समझो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो इसके बीच में हम लोग 100 नंबर्स लिखे, इसके बीच में हम लोग बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स वी कैन राइट 100 रैशनल नंबर्स, वी कैन से दैट ऑलमोस्ट मोर देन 100 रैशनल नंबर्स। सो वी कैन से दैट देर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स। तो इसका आंसर हमारा ये आएगा बच्चों, ठीक है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर कैनॉट बी, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर कैनॉट बी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो देखिए बच्चों यहां पर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल, अगर रैशनल नंबर है इट कैनॉट बी, इट कैनॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये इसका आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर कैनॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, बिकॉज द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, दैट इज रिपीटिंग। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल बच्चों। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरैशनल नंबर्स इज, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरैशनल नंबर्स, ऑलवेज एन इरैशनल नंबर, ऑलवेज ए रैशनल नंबर, ऑलवेज एन इंटीजर, समटाइम्स रैशनल, समटाइम्स इरैशनल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा बच्चों, कि समटाइम्स रैशनल, समटाइम्स इरैशनल आएगा। देखिए समटाइम्स रैशनल, समटाइम्स इरैशनल, देखिए मैं इसका एग्जांपल बताना। इफ आई राइट हियर रूट टू इंटू रूट थ्री, तो इसका आएगा रूट सिक्स, ये इरैशनल नंबर आ गया। लेकिन रूट टू इंटू रूट टू अगर करता हूं, दीज आर टू इरैशनल नंबर्स, तो इसका मल्टीप्लीकेशन 2 आएगा विच इज रैशनल नंबर। सो देयरफॉर वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरैशनल नंबर्स इज समटाइम्स रैशनल और समटाइम्स इरैशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रूट टू इज ए फाइनाइट डेसिमल, या ये दिया है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग आएगा। तो व्हाट विल बी आंसर बच्चों इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग क्यों आ रहा है,
बिकॉज रूट टू इज एन इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है. इफ एनी गिवन रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. विच आर द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर. अभी देखिए बच्चों, इसमें हम लोगों को देखना है कि कौन सा इरेशनल नंबर है. इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज 2/3 बराबर है, विच इज रैशनल नंबर. इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे सो वी कैन राइट दिस इज 4 × 3/√3. तो दिस कैन बी रिटन एज, ये आ जाएगा 2√3/√3. तो ये √3 विल गेट कैंसर, ये 2 आएगा. दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर. अब यहां पर दिस इज इरेशनल नंबर है. देखिए बच्चों, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते तो ये 9 आता है, विच इज रैशनल नंबर. इसका मतलब √7 इज एन इरेशनल नंबर बोल सकते हैं. यहां पर हमको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर. इसमें आपको इरेशनल नंबर कौन सा है ये चेक करना है. तो देखिए बच्चों, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो √4 = 2 एंड √9 = 3 है. यहां पर वी कैन राइट 4 × √3 ऐसा लिख सकते हैं. √3 विल गेट कैंसल और √4 = 2. तो ये रैशनल नंबर है. यहां पर √81 = 9, तो इट इज रैशनल नंबर. तो हमारा आंसर ये हो जाएगा बच्चों, दिस इज इरेशनल नंबर. चलिए नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 में. तो देखिए बच्चों, दिस इज टर्मिनेटिंग है. यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना चाहिए. तो यहां पर क्या है बच्चों, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन 16 नंबर जो है वो रिकर हो रहा है, बराबर है. सो इट इज रैशनल नंबर. यहां पर भी ये जो 1416 ये जो नंबर है रिकर हो रहा है, सो दिस विल बी रैशनल नंबर. लेकिन यहां पर जैसे 0.0, 0.401, 0.0001, 0.0001, तो यहां पर कोई नंबर नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है. सो देयरफॉर हमारा आंसर जो है बच्चों, यहां पर ये हो जाए, क्योंकि यहां पर कोई नंबर रिकर नहीं हो रहा है और दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसलिए हमारा आंसर विल बी डी. अब लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों. रैशनल नंबर बिटवीन √2 and √3 इज. अब ये दोनों के बीच में का जो हमें रैशनल नंबर निकालना है, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8. तो यहां पर अगर हम लोग ये लिखते हैं कि √2 + √3/2, सो विच इज एन इरेशनल नंबर, बट इट इज नॉट सॉल्यूशन. ये इरेशनल नंबर है, लेकिन दिस इज नॉट सॉल्यूशन. ठीक है, अगर बी के बारे में देखते हैं हम लोग तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, √2 × √3 इट विल बी √6/2 आएगा, विच इज एन इरेशनल. ये भी क्या है, इरेशनल नंबर. दिस इज इरेशनल नंबर. ठीक है, √2 + √3/2 इरेशनल नंबर है. हम लोगों को क्या करना है, √2 और √3 के बीच में का रैशनल नंबर निकालना है. तो यहां पर देखिए बच्चों, √2 = 1.4414 है एंड √3 = 1.732 ऐसा आता है एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू. तो इनके बीच में जो नंबर आ रहा है देखिए बच्चों, रैशनल नंबर, तो 1.5 इज अ रैशनल नंबर विच लाइज बिटवीन √2 एंड √3. ये दोनों के बीच में आएगा वो नंबर.
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द वैल्यू ऑफ 1.999 डैश इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज। तो यहां पर हम लोगों को देखना है कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने इसको ऐसा वे हैव सीन 1.9 बोले तो यहां पे एक नंबर रिकर हो रहा है, ये बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या करते हैं बच्चों, हम लोग एक नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे इफ आई मल्टीप्लाई दिस तो व्हाट इट विल बी, ये जो डेसिमल पॉइंट है इधर आए 19.99 ऐसा लिख सकता हूं। फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कीजिए। दैट मींस 10x इज इक्वल टू 19.999 और x इज इक्वल टू 1.999। तो इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 000 आएगा, सो इट विल बी 18 आएगा और यहाँ पे 9x आएगा। दैट मींस 9x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, x इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर हमारा ये आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। अभी हम लोगों को ये देखना है कि √2√3 + √3 इज इक्वल टू क्या आता है। तो 2√3 + √3 इसको ऐड करेंगे बच्चों तो 2√3 + √3 या √3 आप कॉमन ले लीजिए, इट विल बी 1 + 2, दैट मींस इट इज 3√3। तो 3√3 ये हमारा आंसर आएगा। 2√10 × √15 तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों की √10 × √15 तो ये √150 आए, बराबर है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 6 × 25 लिख सकते हैं और 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा 5 और ये 6 इरेशनल 5√6 तो हमारा ये 5√6 आंसर आएगा। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूमरेटर ऑब्टेंड ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ, अगर समझो इस नंबर को हम लोग रैशनलाइज करते हैं तो व्हाट विल बी द न्यूमरेटर, द नंबर ऑब्टेंड ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के बाद में हमें कौन सा नंबर मिलता है, ये क्वेश्चन है। 1 √7 − 2 तो ये √7 + 2 upon √7 + 2 आया। तो दिस इज √7 + 2 अपॉन, देखिए डिनोमिनेटर को अगर रैशनलाइज करना है यहां माइनस है तो बस वही नंबर लिखना है, यहां प्लस लिखना है रैशनलाइजिंग फैक्टर से। तो ये माइनस बी, ये प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी बोले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग यूज करेंगे। तो दिस इज 2 + √7 अपॉन 7 − 2 या फिर इसको इस इधर ऐसा लिखा है इसलिए √7 + 2 upon 5, ये 7 − 2 5 तो दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहां पर भी हम लोगों को तो देखिए बच्चों 1 √9 / √8 तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, 9 का स्क्वायर रूट निकलेगा 3 माइनस 8 को मैं 4 × 2 लिख सकता हूं। इसी को 1 upon 3 − 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2। फिर इसको मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को हम लोग रैशनलाइज करते हैं बच्चों। रैशनलाइज कैसे करेंगे, 3 + 2√2 upon 3 +
रूट टू, ये रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, 3 प्लस टू रूट टू अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो व्हाट विल बी दिस बच्चों, 3 प्लस टू रूट टू अपॉन, देखिए ये क्या आएगा बच्चों, 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आएगा और इसका स्क्वायर रूट 2 का 2 आएगा तो 8 आएगा। सो 9 माइनस 8 मीन्स 1, सो आवर आंसर विल बी 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, ये हमारा आंसर। सो डी विल बी आवर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन वी गेट द डिनोमिनेटर एज, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के बाद हमें डिनोमिनेटर क्या मिलता है ये देखना है। चलिए लिखते हैं इसको, 7 अपॉन 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 7, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है देखिए, 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 3 माइनस, माइनस है तो प्लस है ठीक है, तो 7 इन ब्रैकेट 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन, इसका स्क्वायर करेंगे 3 रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 7 इन ब्रैकेट 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन, ये क्या आएगा पूछो, देखिए 3 का स्क्वायर 9 आएगा और इसका 3 आएगा, तो 9 3 इज 27 माइनस, यहां पे जो है पूछो ये 8 आएगा, 8। तो यहां पे 27 माइनस 8 करेंगे तो 19 आएगा पूछो। तो यहां डिनोमिनेटर क्या आएगा ये हमारा क्वेश्चन है, वी गेट द डिनोमिनेटर एज, तो बी विल बी आवर। चलिए बच्चों इसका देखते हैं अभी द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू अगर निकालना है हमको तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, रूट 32 प्लस रूट 48 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 12। देखिए बच्चों इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 16 इंटू 2 लिख सकता हूं प्लस 16 इंटू 3 लिख सकता हूं मैं, इसको कैसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 लिख सकते। तो देखिए बच्चों ऊपर से ये आ जाएगा 4 रूट 2 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस, ये 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल रहा है बच्चों, ये जो है 2 रूट 3 है बराबर। अब न्यूमरेटर से 4 कॉमन, रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 कॉमन, रूट 2 प्लस रूट 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जा 2 और 2 2 जा 4, तो बी विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों, तो यहां पर हम लोगों को इफ रूट रूट टू का वैल्यू दिया है और इसका वैल्यू निकालना है बच्चों, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे करते देखिए, रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन, तो इसको यहां रैशनलाइज कर देते हैं बच्चों, विल रैशनलाइज दिस, तो ये क्या हो जाएगा, रूट टू माइनस वन इंटू रूट टू माइनस, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर अपॉन रूट टू प्लस वन इंटू रूट टू माइनस, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रूट टू माइनस वन से मल्टीप्लाई किया है, तो आई कैन राइट दिस एज रूट टू माइनस वन इंटू रूट टू माइनस वन, रूट टू माइनस वन होल स्क्वायर, ये रूट टू प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी,
तो रूट टू का स्क्वायर आएगा टू और वन का स्क्वायर आएगा वन, टू माइनस वन। तो देखिए बच्चों, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकल जाएगा रूट टू माइनस वन, डिनोमिनेटर टू माइनस वन मीन्स वन, वन का स्क्वायर रूट वन आएगा। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही, ये जो आ रहा है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, रूट टू माइनस वन। रूट टू की वैल्यू ये हमको, इट इज 1.4142 माइनस यहाँ पे 1.0000। तो इस दोनों का अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं बच्चों, इट विल बी 0.4142। तो ये हमारा सी विल बी आवर आंसर। सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 4 अंडर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर है बच्चों। तो देखिए इसकी मीनिंग क्या होती है, पहले यहां पर लिखेंगे 4th रूट बोले तो 1/4 आएगा, फिर उसके अंदर एक ब्रैकेट है बच्चों, बोले तो क्यूब रूट तो 1/3 आएगा, फिर यहां पे तो स्क्वायर रूट नहीं है, 2 स्क्वायर आएगा। तो दिस इज इक्वल टू 2 रेस टू 2 इंटू 1/3 इंटू 1/3। देखिए बच्चों, यहां पर हम लोगों ने ये रेस टू m ब्रैकेट रेस टू, यानी ये जो लॉज ऑफ इंडाइसेस है या एक्सपोनेंट्स, ये रेस टू m है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन होता है, ध्यान में रखिए। सो 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, तो ये 2 वन जो 2, so it will be 2 raised to 1/6, that means C will be our question number 18 लेते हैं बच्चों। The product of these, इसका लिखेंगे हम लोग product लिखेंगे बच्चों। तो 2 raised to 1/3 है बच्चों, into 2 raised to 1/4, fourth root of 2, into 32 raised to 1/12। तो यहां पर हम लोग इसका 2 बेस कैसे कर सकते, देखिए 2 raised to 1/3 into 2 raised to 1/4, तो 2 raised to 5 है बच्चों, am I right? 2 raised to 5, देखिए 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 2's are 4, 4 2's are 8, 8 2's are 16, 16 2's are 13. So 2 raised to 5, bracket raised to 12. Right. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 raised to 1/3 into 2 raised to 1/4 into 2 raised to 5 upon 12 है, बराबर है। तो देखिए बच्चों, यहां पे अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में देखिए, हमने ये देखा है a रेस टू m इंटू a रेस टू n, दैट मीन्स अगर बेस अगर सेम है तो हम लोग इसका एडिशन कर सकते हैं, a रेस टू m प्लस n कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2 रेस टू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5 अपॉन 12, तो 2 रेस टू 12 एलसीएम लेंगे बच्चे, 2, 3, 3, 4, 12 का, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए क्योंकि 12 एलसीएम है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 आएगा। तो दिस इज 2 रेस टू 7 प्लस 5 12 अपॉन 12 विल गेट कैंसल, तो ये 2 आंसर, ये हमारा आंसर आएगा। 81 रेस टू -2, तो इसको लिखेंगे बच्चों हम लोग 81 रेस टू -2 ब्रैकेट रेस टू 1/4 आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा बच्चों, देखिए मैं इसको 9 स्क्वायर लिख सकता हूं, वन बाय फोर, तो ये 9 रेस टू 2 इंटू -2 इंटू 1/4, तो ये क्या आएगा बच्चों, 2 रेस टू 8, 2 वन जा 2 टू जा 4,
माइनस वन आएगा। सो नाइन रेस टू माइनस वन, नाइन रेस टू माइनस वन को वन अपॉन नाइन, तो ये विल बी अवर आंसर वैल्यू ऑफ इसको 256 ब्रैकेट रेस टू 0.16 इंटू 256 ब्रैकेट रेस टू 0.09। अब यहां बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को ऐड कर सकते हैं, 256 ब्रैकेट रेस टू 0.16 प्लस 0.09, तो ये क्या आएगा बच्चों देखिए, आई कैन राइट दिस एज 256 ब्रैकेट रेस टू 0.25, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं देखिए बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों देखिए, ये फोर रेस टू फोर आएगा क्योंकि 16 × 16 ये, और इसको मैं लिख सकता हूं 25/100 लिख सकता हूं बराबर, तो 25/100 लिखने के बाद में ये देखिए 25 × 1 = 25, तो ये 4 raised to 4 × 1/4 इस 4 will get cancel 4, alright 4 answer। तो लेट अस टेक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, हैव पेशेंस। द फॉलोइंग इज इक्वल टू x, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू, किसकी वैल्यू x आती है ये देखना है, तो ये चार सॉल्व करके देखना पड़ेगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो है बच्चों ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूं देखिए बच्चों, x रेस टू 7/7 इंटू x रेस टू 5/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 + 5 = 12 आए, माइनस x रेस टू 5/7। अब देखिए यहाँ पे x रेस टू 5/7 कॉमन है, x रेस टू 5/7 कॉमन, तो x आएगा ये x माइनस वन विच इज नॉट इक्वल टू x, बोले तो ये हमारा आंसर नहीं है। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड को हम लोग कैसे कर सकते हैं बच्चों देखिए, x रेस टू 4 ब्रैकेट रेस टू 1/3 और ये 1/12 आएगा, तो ये क्या आएगा x रेस टू 4 इंटू 1/3 इंटू 1/12 आएगा, 4 × 1 = 4, it is x raised to 1/9, that means this is not equal to x, तो ये भी हमारा आंसर है। यहां देखते हैं x cube, इसका आएगा बच्चों 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, और ये 2/3, तो ये x raised to 3 into 1/2 into 2/3, ये 2 will get cancel, 3 will get cancel, ये तो ये हमारा x आएगा। चलिए वो फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें x आता है क्या देखते हैं, तो x रेस टू 12/7 इंटू x रेस टू 7/12, देखिए बच्चों जब मल्टीप्लीकेशन होता है बेस सेम होता है तो न्यूमरेटर्स को ऐड करना पड़ता है, ओके तो यहां पर देखिए बच्चों ये 144 प्लस 49/84, सो दिस इज नॉट इक्वल टू x, दैट मींस हमारा आंसर